People with good hearts are the ultimate winners. इसलिए बेहद जरूरी है कि हम सभी अपने दिल की सेहत का पूरा ख्याल रखें। आपने मखानों का नाम तो सुना ही होगा। मखाने न सिर्फ हमारे दिल की सेहत को दुरुस्त रखते हैं, बल्कि इसके और भी तमाम हेल्थ बेनिफिट्स हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप के सफर में इस बार हम आपको लेकर चल रहे हैं नोएडा। नोएडा में आपकी मुलाकात कराएंगे एंटरप्रेन्योर रेनू मिश्रा से, जो मखानों की प्रोसेसिंग करती हैं। प्रोसेसिंग से वो क्या कुछ तैयार कर रही हैं आपके और हमारे लिए, ये जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे साथ। तो चलिए फिर। तो हम आ पहुंचे हैं नोएडा में। नोएडा में आज हमारे साथ एंटरप्रेन्योर रेनू मिश्रा जी हमारे साथ हैं। रेनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और मैं सबसे पहले तो चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दें। मैं रेनू मिश्रा, बेसिकली मेरा जो स्टार्टअप है वो नोएडा में ही सिचुएटेड है, बट मैं रहने वाली हूँ बिहार की। मैं सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड हूँ और मैंने मास्टर्स किया है इन कॉमर्स। तो आपने रेनू जी कॉमर्स से किया है और नेचुरल सी बात है, कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आज स्टार्टअप चला रही हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जानना चाहेंगे कि आपका ये जो स्टार्टअप जर्नी है, कैसे शुरुआत हुई उसकी, क्या हमेशा से सोचा था कि बिजनेस ही करेंगी या गोल्स कुछ और थे और आज इस बिजनेस में है? टीचिंग प्रोफेशन में थी, मेरा कोई सोच नहीं था कि मुझे, कभी नहीं सोचा था कि मुझे बिजनेस करना है। बट जब ये पैंडेमिक आया, जब सब कुछ बंद हो गया, स्कूल कॉलेजेस जब सब कुछ बंद हो गया, तो एक बार सोचने का मौका मिला और सब कोई थोड़ा डाइट कॉन्शियस हो गए कि क्या हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारे लिए हेल्थ के लिए बेनिफिट है। और मैं हमेशा, मेरे दो बच्चे हैं, मैं आप बच्चों को देखती थी, उनको पैकेट्स वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। मैं हमेशा सोचती थी नहीं, पता उनके पास प्लेट में क्या हो कि वो उसको छोड़ के वो कुछ हेल्दी फूड खाए। और मैंने कहा कि मैं बिहार से, मेरे इन लॉज में बिहार सहरसा की हूँ रहने वाली, तो हमारा बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है मखाना, जो वर्ल्ड का 85% जो प्रोडक्शन है वो मखाना बिहार में ही होता है। मेरा दिमाग गया कि क्यों ना कुछ हम फूड आइटम में शुरू करना चाहिए, ताकि वो मैं भी कुछ इंगेज हो जाऊँ। और कुछ थियोरिटिकल नॉलेज थी एज अ फाइनेंस टीचर या अकाउंट्स टीचर, बट प्रैक्टिकल कुछ नॉलेज नहीं थी। लेकिन एक थिंकिंग थी, उस समय समय मिला सोचने का, करने का, सर्च करने का, रिसर्च करने का। मैं 6 महीने जाके अपने गांव में भी रही कि कैसे ये मखाना डेवलप होता है, इसे क्या प्रोसेसिंग किया जा सकता है। फिर मैं लुधियाना जाके इसके बारे में और जानी कि इसको कैसे, इसको मॉइस्चर फ्री किया जा सकता है, इसके क्या क्या और बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, इसके कैसे मैं प्रोसेसिंग कर सकती हूँ, एक्स्ट्रा और कुछ इसमें वैल्यू एडिशन कैसे कर सकती हूँ। फिर ये करने के बाद, फिर धीरे धीरे करने के बाद मैंने ये जर्नी 2020 में शुरू की थी। तो रेनू जी, टीचिंग से जब आप वापस इसमें स्विच आपने किया, तो जो मदद थी, फैमिली मदद, वो आपको मिली? और जो फिनेंशियल अगर मैं बात करूँ, तो वो कहाँ से सपोर्ट मिला आपको? कहा जाता है कि अगर पुत्री को अगर पिता का सपोर्ट मिलता है तो वो आगे बढ़ती है, उसको सपोर्ट मिलता है। मेरे फादर, माता पिता इतने अच्छे से हमें लिखाए पढ़ाए कि, और इतना मजबूत बनाए कि आप बाहर में जाके सरवाइव कर सको। क्योंकि मेरा मायका है जमशेदपुर और मेरी जो शादी हुई है वो सहरसा, तो इतना मुझे बोल्ड बनाया कि मैं बोली कि नहीं, मैं तो कर सकती हूँ, कुछ भी है मैं कर सकती हूँ। और मेरे पति का मुझे पूरा सपोर्ट मिला कि उन्होंने भी मुझ पर ट्रस्ट किया, हाँ ये कर सकती है। तो उनका पूरा सपोर्ट था, उन्होंने पूरा जितना भी हो सकता है सर्च करना, मेरे साथ कदम से कदम चलना, गाँव में जाके रहना। मेरे इन लॉज काफ़ी अच्छे, जैसे मेरे माता पिता है वैसे मेरे, टचवुड, भगवान ने मुझे सब कुछ ऐसा परिवार दिया कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और उनकी वजह से, उन्होंने मुझे पुशअप किया, मैं आगे बढ़ी। फाइनेंशियली मैंने PMAGP लोन लिया था, प्राइम मिनिस्टर जनरेशन प्रोग्राम के थ्रू। मैंने 25 लाख का मैन्युफैक्चरिंग, एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए मैंने अप्लाई किया और वहाँ से मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिला।
जिससे मैंने जब शुरू किया था, ये मेरा टर्नओवर लाखों में था, अब हमारा ये 25 करोड़ तक टर्नओवर है हमारे इस बिज़नेस का। अब ये लास्ट मेरे अप्रॉक्सीमेटली ये 3 ईयर्स मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिनेंशियल आपने जो स्कीम बताई है PMEGP की, मैं चाहूँगी एक बार व्यूअर्स को उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दे दें, क्योंकि बहुत सारी जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं शायद वो बनना चाहती होंगी, आज एक हाउसवाइफ हैं लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर वो चाहती हैं कि वो भी कुछ अपना मुकाम बनाएं और कुछ सोसाइटी में कुछ करें, तो ये योजना किस तरह से जो आज आपको सुन रहे हैं कैसे ली जा सकती है, अवेल की जा सकती है? तो यही कहूँगी कि अगर आपको करने का जुनून है और आपको अगर एक रास्ता मिला है कि मुझे ये करना है, तो आपको कोई भी फाइनेंशियली बर्ड यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन, ये फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फाइनेंस यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट के भी अच्छी अच्छी प्लान्स है, स्कीम्स है, लेकिन ये है कि आप कितने अवेयर हो। लोग डरते हैं कि हम इसको कैसे मतलब अप्लाई कैसे करेंगे, किसको थ्रू करेंगे, किसके पास जाएंगे, हमें ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ेगा। हमने कुछ नहीं किया, बस आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए। हर एक चीज़ वेबसाइट और ऑनलाइन है आज की डेट में। बिजनेस होता है छोटे बच्चे जैसे शिशु होता है, उसको धीरे धीरे उसको डेवलप करना पड़ता है, पालना पड़ता है। बिजनेस भी ऐसे ही होता है। आप एक साल में बोलोगे कि नहीं मेरा करोड़ में आ जाए टर्नओवर या और ज़्यादा हो, नहीं होता वो, धीरे धीरे स्टैंड। बहुत हमने मेरी मुझे बहुत दिक्कतें हुई, 6 महीना तो मुझे समझ ही नहीं आया कि करना कैसे है। और गवर्नमेंट का भी ये मैंने सपोर्ट था कि 6 मंथ्स तक ये लोग कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं, इवन इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं लेते, आफ्टर 6 मंथ्स ये चार्ज करते हैं, तो उसका भी सपोर्ट था कि 6 महीना वो उन्होंने नहीं लिया, तो उसमें मुझे सीखने का मौका हो, क्योंकि लॉसेस जितनी भी लॉस हुई वो मेरा उसमें जाके कहीं ना कहीं कवर अप होता गया। मैं गिरती गई आगे बढ़ते गई, लेकिन फाइनेंशियली मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, वो मैनेज हो जाता है। अगर आप मैनेज करना चाहो तो फाइनेंशियली कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, बट आपको एक होना चाहिए हाँ ये मुझे करना है। और सबका सपोर्ट मिलता है, बैंकर्स भी हमारे काफ़ी अच्छे हैं, उनका भी सपोर्ट मिलता है, वो भी आते हैं विजिट करते हैं हमें, अब इवन फिर कहते हैं कि अगर आपको और ज़रूरत हो तो हम आपको फाइनेंस करेंगे। तो हमने करके दिखाया, अगर आप में अगर जज्बा है और आप कर सकते हो, सामने वाला भी आपको सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है जी। बहुत इजी आपका रहा क्योंकि फैमिली सपोर्ट रहा और गवर्नमेंट से आपको काफ़ी अच्छी स्कीम मिल गई। अगर बात करूँ चैलेंजेस की इनिशियल लेवल पे, बीइंग अ वुमन क्या क्या आपको फेस करना पड़ा? बीइंग अ वुमन मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने अपनी स्कूटी को लेके इतना मतलब जिस जगह रास्ते में कार नहीं जाती थी, उस जगह मैं स्कूटी लेके सुबह से लेके रात तक, क्योंकि मशीन्स कहाँ से आनी है, गवर्नमेंट आपको फाइनेंस देती है बट कैसे करना है, ये आपका रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोक्योरमेंट करना है, आपके कस्टमर्स कौन होंगे, आप कैसे अपने प्रोडक्ट को उसकी सेल्फ लाइफ या पैकेजिंग, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत वो करना पड़ता है। प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत आई, लेकिन उसको वन बाय वन करके, रिसर्च करके, विजिट करके, और मैं नोएडा में थी, दिल्ली पास है, तो यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, जितने भी मेरे मशीन्स हैं, मैं हर एक सप्लायर के पास जाती थी, उनके बारे मशीन्स देखती कि हाँ मेरे को मुझे इस तरह से मशीन की रिक्वायरमेंट है, ये कहाँ मिलेगी, कितने की आएगी, कितने की उसकी एसएस है, तो पहले मैं इंटरनेट से सर्च करती थी सब कुछ कि मुझे क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और उसके हिसाब से फिर मैं उसको सर्च करती थी, सारा दिन घूमती थी, एक एक चीज़ मैंने अपने मतलब उसमें चैलेंजेस बहुत है, नो डाउट कि आप एकदम ईजिली कर लिए, हाँ हमें सपोर्ट मिला लेकिन दौड़ना मुझे पड़ा, सब कुछ ढूंढना पड़ा, एक एक चीज़ मैंने अपने हाथों से इसके कहाँ क्या कैसे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हुआ, हो जाता है, दिक्कतें आती हैं लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होता, और दिक्कतें ऑब्वियसली आएगी। मैंने भी सोच रखा था कि ये बिल्कुल मेरे लिए नई चीज़ है और बिल्कुल नई सोच है, बिल्कुल सब कुछ नया करना है, तो कुछ तो मेहनत करना, एक्स्ट्रा तो कुछ करना पड़ेगा, और सपोर्ट था, बच्चे घर पे थे, हस्बैंड घर पे थे, तो मैं सारा समय देती थी अपने बिजनेस को सोचने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, मशीन्स जानने के लिए, हर एक चीज़। मैंने 2 साल बहुत काफ़ी मेहनत करी है, तो ये 2 साल मुझे लगता है, ये 2 साल अब मुझे अब उसकी अब ज़रूरत नहीं है, मैंने मुझे जितना करना था 20 साल का मेहनत मैंने ये 2 साल में कर लिया, अब मैं इतना स्टेबल कर चुकी हूँ अपना बिजनेस को कि मैं नहीं भी रहूँ, अगर एक आध घंटा डिले भी हो तो मेरा ये काम चल जाएगा, लेकिन इनिशियल फेज में ये मैं 1 मिनट भी मैं नहीं छोड़ सकती। अच्छा रेणु जी, मैंने मतलब अपने कृषि स्टार्टअप शो में हमने और भी बहुत सारी जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे बात की है, तो जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट की स्कीम्स तक तो ठीक है,
वो इजीली हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट आपके साथ है और गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपने देश की महिलाओं को का सशक्तिकरण करे, जिससे कि वो अपने इंडिपेंडेंट रहे। ये आपने बात की कि जब हम सेल्फ उसमें जाते हैं, जब हम सोसाइटी लेवल पे जाते हैं, तो ज़्यादातर मुझे ये सुनने में मिला कि जो मार्केटिंग का एक लेवल होता है, जब आप अपने प्रोडक्ट को बेचने बाहर जाते हैं, तब काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। शायद एक मेल उन चीज़ों को आसानी से टैकल कर लेता है, एक फीमेल के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, इनसे जानेंगे जवाब को कि इनका जवाब क्या होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज हम आए हुए हैं नोएडा, और नोएडा में हम आपको मुलाकात करा रहे हैं एंटरप्रेन्योर रेणु मिश्रा जी से। रेणु जी, आपसे मैं जानना चाह रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि बीइंग अ वीमेन, क्या कुछ आपको ऐसा लगा कि जो सोसाइटी की तरफ से आपको लगा कि यार ये चीज़ अगर यहाँ मेल होता तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता, और लेकिन मेरे साथ हो रहा है, क्या कुछ ऐसी स्टोरी आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? बहुत कम परिवार होते हैं जो अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनको उनका बस इतना ही होता है पढ़ना लिखना है, उनकी शादी करनी है, दैट्स इट। उनको ऐसा नहीं फील होता है कि वो परिवार वो नहीं लड़की को स्टैंड भी होना है। बट मेरे केस में ये पॉजिटिव था कि मेरे परिवार को था कि हाँ इसे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ाना है, तो वो मुझे प्लस पॉइंट मिला। लेकिन जहाँ तक समाज की थिंकिंग है, मुझे काफ़ी कभी भी मुझे लगता है, क्योंकि मैं कभी रात में भी निकलती थी तो मेरे साथ एक मेल मेंबर हमेशा होते थे, और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं उसके बगैर शायद कहीं ना कहीं मुझे एक डर सा फील होता था, क्योंकि समाज में हर एक जगह सारे मेल मेंबर के सामने मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेले जा रही हूँ, खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो इंडस्ट्री में तो कोई फीमेल का कोई काम होता नहीं था, सारे मेल होते थे, तो मुझे थोड़ा बहुत लगता था कि मैं कैसे ऑफिस के अंदर जाऊँ सारे, और काफ़ी रात कभी कभी रात हो जाता था उसके डिस्कशन करते करते। तो मैं हमेशा एज अ सपोर्ट में रखती थी कि एक मेरे साथ कोई मेल बंदा चले, अगर वो कुछ ना कोई रहता था तो समाज को एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर, ताकि वहाँ पर एक लड़का हो या लड़की हो फ्री होके काम कर सके, क्योंकि कमियाँ कहीं पर नहीं है, कमियाँ किसी में नहीं है, कमियाँ हमारे सोसाइटी में है, जो उनकी सोच आगे नहीं बढ़ सकती कि वो आगे फीमेल को थोड़ा सा पुश अप करे कि हाँ आप भी कर सकते हो, आप आओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 मेल के सामने बैठो, अपने आपको रिप्रेजेंट करो, आपको कोई शर्माने की बात नहीं है। रेणू जी की बातों से क्योंकि कहीं ना कहीं समझ में आता है कि फॉल्ट सरकार को हम दोष जरूर दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार जो है वो सोसाइटी होती है, क्योंकि रहते हम हैं समाज में और हमें हमारे रहने के लिए कैसा समाज चाहिए ये हमें सोचना है। तो रेणु जी, चलिए आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के आज आप इतना अच्छा एक स्टार्टअप आपने शुरू कर लिया है, तो अगर मैं बात करूं आपके मखानों की तो कितनी वैरायटीज़ हैं इसमें, और अभी किस तरह से आप इसकी मार्केटिंग कर रही हैं? मखाने में जो वैरायटीज़ है वो वैरायटी को बनाया जाता है, उसमें शॉर्टिंग ग्रेडिंग करी जाती है, क्योंकि जब मखाना आता है तो वो एज अ वो एक क्रॉप है और उसमें सब हर एक तरह के दाने होते हैं, तो उसकी शॉर्टिंग और ग्रेडिंग करके उसकी कैटेगरीज बनाई जाती है। मखाना तो एक प्लेन हुआ, बट उसमें वैल्यू एडिशन करके आज हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू एडिशन में मेरे पास जो है वो रेडी टू ईट खीर है, कि आप बस पानी में डालो और वो तैयार है खीर, वो काफ़ी हेल्दी है, और मखाने की नमकीन है। लॉजिस्टिक का अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, तो किस तरह से मैनेज करती हैं आप इसको? मैनेज करना जैसे हमारा विजिट्स हर 6 महीने में होता है, 6 मंथ्स में मैं जाती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड को टाइम मिलता है तो वो जाते हैं, और वहाँ पर हम लोग वहाँ के लोकल हैं, कहीं ना कहीं जो फार्मर्स हैं आपको भी डायरेक्टली बेनिफिट कर रहे हैं। जी, डायरेक्ट फार्मर्स से भी है, और हमारी कुछ कल्टीवेशन भी खुद की भी है। अच्छा। जो उसकी पॉपिंग जो पॉप मखाना जो गुड़ी कहते हैं उसकी कुछ अपने पास है पोखर जो तालाब में, तो क्योंकि ये लोटस सीड है ये तालाब में होती है, तो कुछ अपने पास भी है, तो डायरेक्ट हमारा फार्मिंग वहीं से है, और बहुत जल्द हम लोग वहाँ से पे भी अपना एक ब्रांचेस जो यहाँ पे है वो वहाँ पर भी और प्रोसेस शुरू करेंगे, ताकि वो पैन इंडिया लेवल पे ये इसको रीच कर सके। तो प्रोडक्ट हमने जान लिया है, क्यों ना हम आपके यहाँ पर अब एक बार यूनिट को विजिट करते हैं और ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो किस तरह से की जा रही है। चले मैम, ये मैम हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है। मखाने का कभी भी जब प्रोसेसिंग करते हैं तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप यह होता है कि हमें मखाने का मॉइस्चर निकालना पड़ता है, तभी वो क्रंची हो जाता है।
तो या खीर हो या हम नमकीन बनाते हैं, तो सबसे पहला हम होता है कि इसे मशीन में डाल के इसमें रोटेशन होती है और इसकी जितनी भी क्रंचीनेस है वो आ जाती है। उसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसेस करते हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में। यहाँ पर कितनी मशीनें हैं? मशीन्स हमारे पास अभी 3 हैं, जिसमें अब फर्स्ट है हमारा रोस्टिंग, देन फ्लेवरिंग, उसके बाद पैकेजिंग की मशीन होती है। अगर हम बात करें प्रोडक्ट की मार्केटिंग की, तो ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है आपका प्रोडक्ट? ये हमारे सारे ग्रॉसरीज स्टोर्स हैं, उसमें हैं दिल्ली NCR, हमने अब कुछ कुछ शॉप्स कवर कर रहे हैं और हमारी प्लानिंग है पैन इंडिया लेवल पे भी करना। तो ऑलमोस्ट हमारे अब लोग हमें जानने लगे, हमारे ब्रांड को पहचानने लगे हैं, तो है अब शुरुआत हो गई है। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में, हमारी भी अब एक पहचान बनने लगी है। तो यानी प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जल्दी ही पैन इंडिया ऑफलाइन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। और अगर क्वांटिटी की बात करूँ, तो क्या मार्केट में किस तरह की पैकिंग है आपकी, क्या नेट वेट आता है? हमारा जो रॉ मखाना है वो हमारा 200 ग्राम से है, 200 ग्राम्स, 250 ग्राम्स, 500 ग्राम्स उस पे है रॉ मखाना। और जो फ्लेवर्ड है वो हमारे 100 ग्राम्स के जार में जाता है। हमारी फ्यूचर प्लानिंग है मुझे अब उसे पाउच में कन्वर्ट करना है, ताकि वो कन्वीनियंट होता है कंज्यूम के लिए, क्योंकि वो कॉस्टिंग कॉस्ट बेनिफिट होता है, वो छोटे स्मॉल पाउचेस में होता है तो आपको कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी, तो उसमें हम उसको स्मॉल पैकेट में ला सकते हैं जी। और अगर जैसा कि हम सभी तो जानते ही हैं कि मखाना काफ़ी हेल्थ के लिए बेनिफिट होता है, इसके बेनिफिट्स होते हैं मखाने के, कभी ऐसा हुआ है कि आपको मखाने को लेकर लोगों को अवेयर करना पड़ा हो? नहीं, मुझे तो ऐसा सच नहीं लगा कि मुझे अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग आज के डेट में सब अवेयर हैं हेल्दी फूड के रिगार्डिंग, कि इसमें क्या बेनिफिट है। और मुझे लगता है ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा हेल्दी जिसमें है वो मखाना है, और ये डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि एवरी पर्सन को 10 ग्राम्स डेली कंज्यूम करना चाहिए मखाना। और इसका हेल्थ बेनिफिट काफ़ी है, छोटे बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा है, बूढ़े के लिए भी अच्छा है, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, बीपी वाले पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और ये लोग आज के डेट में अवेयर हैं। बिल्कुल। और जो मखाना है वो एक बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी का, इंस्टेंट एनर्जी देता है ये। और जितने भी लोग आज हमें सुन रहे हैं, हालांकि मैं समझती हूँ कि वो अवेयर होंगे मखानों के जो भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर उनको नहीं पता है तो अपने बच्चों को आज ही से आदत डालें मखानों को, जंक फूड से थोड़ा सा उनको बचाएं, क्योंकि हमें इंडिया को फिट इंडिया जो बनाना है। जी सही बात है। और कहीं ना कहीं मेरा भी ये उद्देश्य था कि बच्चे के प्लेट से चिप्स जो भी मार्केट में होते हैं जंक फूड होते हैं वो हटे, उसका उनको अगर बच्चों को हेल्थ के साथ साथ अगर हम टेस्ट दें तो बच्चे भी कंज्यूम करें। तो हमारा यही मेरा मकसद ही सबसे प्राइमरी था कि बच्चों, क्योंकि मेरे भी घर में बच्चे हैं, वो भी सारा दिन लगे रहते हैं, लेकिन जब से मखाना आया है अब उनको मैं देख रही हूँ उसको साइड होके अब वो मखाने पे थोड़ा रुचि अपना दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे फ्लेवर्स में हैं, आप मिंट ले लो, टोमेटो ले लो, प्लेन ले लो, मतलब जैसा आपको खाने का है। तो रेनू जी, अगर मैं आपसे बात करूँ आपके फ्यूचर विजन की, तो अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं और क्या वो कुछ विजन्स आप लेके चल रही हैं कि ये मेरे गोल्स हैं? प्राइमरी फोकस था कि बच्चों तक ये पहुँच, तो बच्चों तक पहुँच ये तभी हो पाएगा जब मैं इसको स्मॉल पैकेजेस में लेके आऊँ, इसकी पैकेजिंग कम हो, कॉस्टिंग कम हो, तभी ये लोग कंज्यूम करेंगे। तो मेरी ये मतलब बहुत जल्दी मैं इसको करना चाहती हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे अलग ही सेटअप चाहिए। बहुत जल्दी मुझे मेरे ये 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया वाले पाउच में ये आएगा। मैं सबसे पूछती हूँ, आपसे भी जानना चाहूँगी कि आज जितने भी व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, और आज क्योंकि एक फीमेल एंटरप्रेन्योर मेरे साथ है, तो स्पेशली जो फीमेल्स आज हमें देख रही हैं और आपकी स्टोरी से काफ़ी इंस्पायर हो रही होंगी, क्योंकि चैलेंजेस सबकी लाइफ में होते हैं, आपकी लाइफ में भी आए, तो उनको आज आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप पहल करो, आगे बढ़ो, इनिशिएटिव लो, रास्ते बनते जाएंगे, मुश्किलें आएंगी, बहुत मुश्किल आएंगी, लेकिन उससे ज़्यादा आपको मदद मिलेगी, लोगों का सपोर्ट हो या फैमिली सपोर्ट हो, जब उनको भी लगेगा नहीं आप किसी उद्देश्य के लिए चल रहे हो और सही कर रहे हो, तब आपको सपोर्ट मिलेगा। एक कहते हैं ना कि ट्रस्ट आपको दिया नहीं जाता, आपको वो कमाना पड़ता है। अगर मुझ पे कोई, मैं ये नहीं बोल सकती आप मुझ पे ट्रस्ट करो, आप ऐसा काम करोगे कि सामने वाला आप पे ट्रस्ट करे, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लगे रहो, लगाते एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप लगातार करते रहो तो आपको सफलता मिलेगी। जब आप एक बीज लगाते हैं तो वो पौधा बनता है, पौधे से वो पेड़ बनता है, और उस पेड़ पे तब आप फल आता है, फूल आता है, और फिर फल आप खा पाते हो। तो हर चीज का एक प्रोसेस होता है। समय लगता है, बिल्कुल समय लगता है, तो आपको पेशेंस नहीं खोना,
होता है, तो पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, ये कहा भी गया है। तो आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई आज हमें रेनू जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए किसी भी स्टार्टअप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आप चाहते हैं तब भी आप हमें इसी मेल आईडी पर लिख सकते हैं। मेल आईडी सेम ही रहेगी, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपका जो प्यार हमें मिलता है आपके मेल्स के जरिए, आप अपना वो फीडबैक प्रोग्राम को लेकर जारी रखेंगे। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। का मुंह दिखाई होगा, कल आ रहे हैं पांडे एंड